नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। कांग्रेस के अंदर चल रही लड़ाई अपनी चरम पर है। फजीहत का आलम यह है कि आए दिन कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है। हाल ही में खबर आई कि प्रियंका वाड्रा द्वारा संबोधित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर में प्रीति तिवारी का कंधा पकड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया गया और प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने पार्टी नेताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही है लेकिन पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं है। यह हाल तब का है जब प्रियंका वाड्रा वहाँ मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं, असम और पंजाब की लड़ाई भी अभी शांत नहीं हुई। कांग्रेस के अंदर भड़क रही चिंगारी कब ज्वालामुखी का रूप ले ले ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका एक ट्रेलर जरूर देख लीजिए। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व में तो असंतोष उभरा ही हुआ था, लोकल लेवल पर भी कांग्रेसी एक दूसरे से भिड़ने से नहीं चूक रहे। सियासी ताकत तो नहीं, बाहुबल जरूर दिखाया जा रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के भिंड का है। यहाँ पार्टी के कार्यक्रम में दो महिला नेता मंच पर ही आपस में भिड़ गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो देखा आपने वीडियो, कमाल की बात यह है कि यह लड़ाई भी उस मंच पर हुई है जहां बीजेपी को घेरने के लिए मीटिंग चल रही थी। सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए भिंड जिले में विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में मंच पर दो कांग्रेसी नेत्रियां आपस में ही भिड़ गई और अब यह घटना सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फजीहत करवा रही है। देखना होगा कि कांग्रेस अपने अंदर की इस लड़ाई को कैसे शांत कर पाएगी। बड़े लेवल पर तो पहले ही कांग्रेस की कलह समाप्त नहीं हो रही और अब लोकल लेवल पर लड़ाई शुरू हो गई है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर तोड़ सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।